ओके, जो ये जो के ड्रामा है, ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट के ड्रामाज है, क्योंकि इस के ड्रामा में एंडिंग ऐसा दिया गया है, अगर आप एंडिंग तक पहुंच पाए, क्योंकि मेलो ड्रामेटिक बहुत है, आपके आंसू निकलेंगे, लिख के रख दो। अगर आपने पूरा देखा है, आपके आंखों से आंसू आएंगे, किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। यह मैं मतलब लिख के दे दूंगा। इसका नाम है मून लवर्स स्कारलेट हार्टेडियो। स्टोरी यह है कि जब एक लड़की, मैं पूरा पूरी नहीं बोलूंगा, शॉर्ट में थोड़ा सा हिडन रख के बोलूंगा, एक लड़की सुसाइड करने जाती है, उसके जो सोल है वो ट्रैवल करके पास्ट में 1000 साल पहले जो सुसाइड करने गई थी एक लड़की, उसी पॉइंट में उसके शरीर के साथ एक्सचेंज हो जाता है। तो उसके बाद वो जब उठती है, राजा महाराजा उसको देखती है, तो राज जो पुत्र होते हैं, बहुत सारे प्रिंस हैं उनके साथ, जो स्टोरी लाइन बढ़ता है, और उसमें जो हमारे लीड कैरेक्टर हैं ब्लैक अटायर में, टोटली लोन वुल्फ कैरेक्टर, स्टोरी जब तक मिडिल पार्ट तक जाती है ना, बहुत अच्छा। मिडिल के बाद टोटली मेलोड्रामेटिक, और लास्ट एपिसोड जला देगा भाई, दुख से, नॉट लाइक हाइप से, दुख से, आपको आंख से आंसू निकलेंगे। क्यों बोल रहा हूं आपको पता नहीं, अभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपको आपने देखा नहीं है, लेकिन अब जब देखोगे आपको पता चल जाएगा मैंने क्या बोला, क्यों बोला। इसलिए मैं आई एम हाईली रिकमेंडिंग यू कि जो लोग दुख नहीं जानते हैं, उनको ये सीरीज देखना चाहिए। एक्टर्स और एक्ट्रेस ने जो रोल प्ले किया है इसमें, भाई हम लोग सिनेमा में वैसा एक्टिंग नहीं देख पाते हैं बॉलीवुड में, वो लोग सीरीज में, 2016 का सीरीज है, प्ले कर दिया भाई। मतलब एक्टिंग स्किल्स अगर सीखना है ना, कैमरा फेसिंग सीखना है, तो कोरियन से सीखना पड़ेगा भाई, कोई चांस ही नहीं है। कोरियन के बारे में सब बोलते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी एंड ऑल, एक्टिंग स्किल, कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, उसके बारे में कोई नहीं बोलता है। क्योंकि आप सोच के देखियो ना, उनको बल्कि बॉडी नहीं बनाना पड़ता है, शो ऑफ नहीं करना पड़ता है, वो जो ड्रेस पहनते हैं उससे ही पूरा सीरियल खा जाते हैं। आप देखते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग भी सोचते हो कब आएगा बॉडी एब्स वाला सीन, बाइसेप वाला सीन, नहीं, वो लोग पूरा स्टोरी लाइन प्लॉट से ही खा लेते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ के ड्रामा।